Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 10 शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द. उसके लिए आप अपनी पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 52 खोलेंगे, वहाँ आपको मिलेगा पाठ 10 शब्द भंडार और उसी में है पर्यायवाची शब्द. बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है समान, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द. जैसे मैं आपसे कहूँ कि सुबह हो गई है, सूर्य निकल आया है, या फिर सवेरा हो गया है और सूरज निकल आया है, तो यहाँ पर सुबह और सवेरा दोनों के अर्थ समान ही हैं. वैसे ही सूर्य और सूरज दोनों के अर्थ समान हैं. आइए उसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं. जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखा रखा है फूल. फूल को हम पुष्प और सुमन भी कहते हैं, तो तीनों के अर्थ समान हुए. उसी प्रकार यहाँ आपको दिख रहा है हाथी, अर्थात गज. गज, हाथी, हस्ती, तीनों के अर्थ समान ही हैं. तो ये क्या हुए? समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द. आइए परिभाषा देखते हैं. जब दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान हो तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे बेटी, बेटी को हम सुता, पुत्री, तनिया, तीनों के अर्थ समान हैं. वैसे ही मित्र, सखा, दोस्त, मीत, ये भी समान अर्थ वाले ही शब्द हैं, अर्थात ये तीनों शब्द इस शब्द के पर्यायवाची शब्द हुए. आइए कुछ और शब्दों को भी देखते हैं. जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये है अध्यापक. अध्यापक को हम शिक्षक, आचार्य और गुरु भी कहते हैं, तीनों के अर्थ समान हैं. ऐसे ही चित्र में आप देख सकते हैं आग. आग को अग्नि, अनल, पावक भी कहते हैं. वैसे ही चित्र में है ईश. ईश का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, भगवान, प्रभु, समान अर्थ हैं. चित्र में है औरत. औरत को हम नारी, महिला, स्त्री भी कहेंगे. वैसे ही आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कपड़ा. कपड़ा को हम अंबर, वसन और पावक भी कहते हैं. ऐसे ही गाय. गाय को गौ, धेनु और गौ भी कहा जाता है. जल. जल को हम कहेंगे नीर, पानी, तोय. ऐसे ही चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि. तालाब, ताल, तड़ाग, सरोवर. घर, ग्रह, आलय, सदन. तो बच्चों, आपको सभी पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे. अब हम देखेंगे इसका बुकवर्क. पहला प्रश्न आपको दे रखा है, दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए. यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और उनके सामने एक खाली जगह दे रखी है, वहाँ आपको दो नाम लिखने हैं. जैसे आपको एक जो है दिखाया हुआ है, ये चित्र है किसका? माता और जननी. इसी प्रकार आप बाकी के चित्रों को देखकर भी उनके दो दो नाम लिखेंगे. प्रश्न नंबर दो, रंगीन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखकर वाक्य दोबारा लिखिए. यहाँ पर हर वाक्य में एक रंगीन शब्द दिया हुआ है, उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य पूर्ण करना है. जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, यज्ञ की अग्नि पवित्र है, तो हम यहाँ पर अग्नि का दूसरा पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, यज्ञ की आग पवित्र है. इसी प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे लिखेंगे. प्रश्न नंबर तीन, वर्ग पहेली में छिपे पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए और सही जगह पर लिखिए. यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है, उस पर आपको शब्दों का गोला भी लगाना है और उन्हें यहाँ लिखना भी है.
जैसे आपको पहला शब्द दे रखा है तरु, तरु को हम क्या कहते हैं, पेड़ और वृक्ष। तो यहाँ हमने पेड़ पर गोला लगाया है और उस पेड़ को हमने यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार वृक्ष पर भी हमने गोला लगाया है और फिर वृक्ष को यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार आप बाकी के शब्दों के भी पर्यायवाची शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाएंगे और फिर उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जब समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, फिर हम उसकी लाइव डाउट सेशन में आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आपको यहाँ दे रखे हैं। दिए गए चित्रों के दो दो नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उनके दो दो नाम आपको बताने हैं, जिसके उत्तर मैं आपसे लाइव डाउट सेशन में पूछूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।